Assalamualaikum, welcome back to my review 3.0। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब कैरियर से होंगे और आपने पिछली मेरी तमाम वीडियो को एंजॉय किया और लाइक्स भी किए और अच्छे अच्छे कमेंट भी किए, शुक्रिया दिल से। और इसी तरह आपका भाई आगे बढ़ते हुए एक नेक्स्ट मूवी का रिव्यू लेके आया है जिसका नाम है फरार ऑफ मैन, जिसका मैंने पिछले दिनों में आपको याद होगा ट्रेलर के बारे में बताया था कि उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ। आप राथ ऑफ मैन देखिए, जिसमें लीड करेक्टर प्ले किया है जेसन स्टैथम ने। जेसन स्टैथम का तो आपको पता ही कि वो बंदा एक्शन किस तरह और किस लेवल के करता है। सबसे बात पहले बात करना चाहता हूँ, फिल्म में अच्छा क्या था और फिल्म में बुरा क्या था। फिल्म में अच्छा सब कुछ है, ओवरऑल सब बेटर है, बुरा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल इसमें एक्शन जिस तरह को आपने जेसन स्टैथम के बारे में सोचा होगा ना कि इस तरह का एक्शन करेगा, जिस तरह इसने अपनी तमाम की तमाम प्रीवियस वीडियोस में किया होगा, इसमें इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो इसमें इसने एक्शन और एटीट्यूड के साथ बंदों को मर्डर किया ना, और जो रोबड़ी सीन्स दिखाए हैं इस मूवी में वो लेवल के और हटके दिखाए गए हैं। और इसमें मूवी में बुरा एक चीज भी नहीं है। जिस हिसाब से आपको डायरेक्टर ने गोलियों और गन्स की प्रोडक्शन के बारे में और गन्स की शूटिंग्स के बारे में बताया, इंतहाई के लेवल के वो सीन्स हैं। स्टार्टिंग पे एक छोटा सा सीन है जहां पे जेसन स्टैथम ना एक बंदा ओवर रिएक्ट करके जेसन स्टैथम को बेइज्जत करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसन स्टैथम उस बंदे को, वो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जेसन स्टैथम का रवैया कुछ इस तरह का ही होता है वो। और एक सीन ऐसा आता है कि जहां वो बंदा फंस जाता है, जेसन स्टैथम अकेला 5 से 6 बंदों को मार के फेंकता है और उसका मुंह देखने वाला होता है, खड़े का खड़ा सीधा हैरानों परेशान की सूरत में देखता। मुझे तो ये मूवी इंजॉय करने का नहायत ही मजा आया। ये मूवी आप मेरे कहने पर ये मूवी देखें। हाँ, ये मूवी इंग्लिश में है, उर्दू डब में नहीं आई है। हाँ, इंग्लिश सबटाइटल के साथ आप देख सकते हो, आपको इंतहाई का मजा आएगा। इसकी परफॉर्मेंस, इसकी एक्टिंग और डायरेक्टर ने जो डायरेक्शन किया, और सबसे लेवल का सीन मेरा एक और आता है कि इतना कोई एटीट्यूड वाला बंदा ना, इसके साथ कोई मामला हो जाते हैं ऐसे जैसा चाहता है, बताऊंगा नहीं वो मामला क्या हो जाता है। इस बंदे ने हर बंदे को ढूंढ ढूंढ के, हर माफिया वाले को ढूंढ के मारना होता है, मार मार के उनका कचूमड़ निकाल देता है, अपने काम से काम रखना है। और मुझे सबसे ज्यादा और बिगेस्ट लेवल का वो सीन लगा, और उसमें जो गोलियां चलती है ना और रोबड़ी होती है बैंक में जाके, वो इंतहा की लेवल की रोबड़ी। आपकी सोच होगी कि इतनी गोलियां चलाते हैं ना। अगर इसमें ओवरऑल कास्ट की बात करूँ ना, तो ओवरऑल कास्ट ही कमाल की है। मतलब कि अगर विलन है, हीरो है, स्पोर्टिंग रोल्स हैं, और जो भी ऐसे रोल्स हैं जिसमें लीड करेक्टर है, और कई कास्ट जैसे फीमेल एक करेक्टर का रोल मुझे बड़ा लेवल का लगा। और उसके बाद जेसन स्टैथम के साथ एक बंदा शुरू से रहा है और एंड तक, उसका रोल बड़ा लेवल का लगा। और जेसन स्टैथम के साथ जो बंदा ईगो में रहता है और उसकी ईगो देखने का बड़ा लेवल का मजा आता है, और ईगो देखने के बाद जो जैसा ज्यादा उसकी ईगो निकालता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो गरजते हैं वो बरसते हैं, वो दिखाया गया। और उसके बाद जैसा जैसा ज्यादा बंदों की कुत्तों वाली रोलता है ना, और सबसे लेवल का करेक्टर लगा ना, जो पूरी फिल्म में जैसा ज्यादा को एक ही नाम से पुकारता है, बोस नेक्स्ट बोस। ये करेक्टर मेरा इंतहाई का फेवरेट, जो उसका गेटअप, इसकी दाढ़ी और सफेद से बाल ना, मुझे जो पसंद आया मैंने आपको बताया इस वीडियो में। आपको क्या पसंद आया आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी आपको इस वीडियो में जो मैंने बताना था वो मैंने इसलिए बताया ताकि आप वीडियो एंजॉय कर सको, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। इस मूवी को मैं रेटिंग देता हूँ 8, क्योंकि मेरे मतलब की मूवी है। जिस तरह मुझे क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, रोबरी जैसी चीजें पसंद है, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये मूवी पसंद आएगी। इसी तरह अपने भाई को इजाजत दे, मिलूंगा नेक्स्ट मूवी के रिव्यू में, नेक्स्ट सीजन के रिव्यू में, और नेक्स्ट किसी बिगेस्ट ट्रेलर या रिव्यू के साथ या रिएक्शन के साथ। इस तरह अपने भाई को इजाजत दे, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और जो भी चीज मोहब्बत बड़ा तोहफा हाथ में आता ना, पकड़ के खड़क कर सब्सक्राइब पे मारता और बेल आइकॉन की घंटी को टच करके दबा देना। इसी तरह अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।